ओम शांति। आप सदा संपूर्ण स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आपके मस्तक पर परमात्मा की दुआएं बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। लोग स्पेशल टाइम निकाल कर कहते, अरे बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं हैं, हम मिलेंगे। और ढेर सारी बातें होती है। कई लोग रोज़ मिलते हैं, कई लोग कभी कभी मिलते हैं। बातें कौन सी शेयर होती है मेजॉरिटी के बीच में? कई लोग जब बातें शेयर करते हैं और आपको अपना अच्छा दोस्त समझकर आपको कहते, मैं मेरे जीवन के कुछ सीक्रेट बता रहा हूँ। और हो सकता है अपना दर्द, दर्द भरी कहानी, स्ट्रेस, अपनी चिंता, बीमारी, रिश्तों से मिले धोखे और कुछ बातें, वो सब आपको सुनाते हैं। इवन आपके बारे में भी लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। अभी सुनने के बाद आपके दिमाग की हालत, मन की हालत क्या हो जाती है? कभी चेक किया? अगर ये सारी बातें, मेजॉरिटी बातें डर की, धोखे की, चिंता, बीमारी आदि आदि होगी तो ब्रेन हेवी बन जाता है, मन हेवी बन जाता है। कई बार जिनके बारे में उन्होंने सुनाया उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हिसाब किताब उन दोनों का था, आपस में दर्द उन्होंने एक दूसरे को दिया। मैंने वो सुनकर अपना दृष्टिकोण, अपने विचार उन लोगों के लिए मैंने बदल दिए, तो मेरा व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है। मेरे शब्द, विचार, व्यवहार सब बदल जाते और हम उनके प्रति क्या सोचते, गलत सोचना शुरू करते हैं। नेगेटिव एनर्जी कहाँ तैयार होती? मेरे मन में। इससे मेरा मन हैवी, ब्रेन हैवी और मेरी खुशी भी खत्म हो जाती, तो प्रभाव किसका पड़ा, मेरा उन पर या उनका मेरे पर? उनका मेरे पर पड़ा ना। और ऐसा कितनी बार होता है, कई लोग दूसरों की जीवन के दर्द सुनकर, उनके मन का डर सुनकर, उनके धोखे, रिश्तों के मिले हुए वो सुनकर अपने रिश्तों के बारे में भी वही सोचना शुरू कर देते हैं। जहां सब अच्छा चल रहा था वहां हमने इन बातों को ऐड करना शुरू किया, तो खुशी किसकी गायब हुई? मेरी। करना क्या चाहिए? कुछ बदलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम किसी से भी बातें करते हो, किसी की बातें सुनते हो, अगर आपका मन इतना शक्तिशाली नहीं है, आप बातों के प्रभाव में आ रहे हो, आपका मन हेवी बन जाता है और कोई है जो उसकी बात, गॉसिपिंग बार बार आपको सुनाता है, तो सबसे पहले हिम्मत करके से नो टू गॉसिप। सेकंड, अगर वो आपको ही सुनाना चाहते हैं तो ठीक है, अपने अंदर एक फिल्टर बिठा दो, सिर्फ उसमें से अच्छी बात लो, अच्छी बात धारण करो, अच्छे गुण देखना शुरू करो। तीसरा, मन शक्तिशाली है, उन्हें बहुत अच्छी सलाह दो, उस आत्मा को भी शक्तिशाली बनाओ, तो इससे आपकी भी सेफ्टी, उनको भी एक बहुत अच्छी सीख मिल जाएगी कि हमें हर बात से क्या सीखना है। तो प्रभाव किसका पड़ेगा? तो खुद को शक्तिशाली बनाना है। तो कितनी भी बातें हमारे सामने आए, लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, मुझे मेरी मन की खुशी, उन बातों का अर्थ
अच्छा लगाकर, अच्छा अर्थ अंदर लेकर मन की खुशी को बरकरार रखना है। यस, हैप्पी डे।